बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सोशल मीडिया पर कल से मिस्टर बीन ट्रेंड हो रहा है। कौन है मिस्टर बीन और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मिस्टर बीन ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल कल मैच हुआ है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का और करारी हार का सामना पाकिस्तान की टीम को करना पड़ा है। महज एक रन से, सिर्फ एक रन से पाकिस्तान की जो टीम है वो हार गई। जिम्बाब्वे की टीम ने हरा दिया पाकिस्तान को। हालांकि अच्छा खासा मौका था पाकिस्तान के पास जीतने का, जीत उतनी मुश्किल नहीं थी पाकिस्तान की, लेकिन बावजूद इसके जो वहां के तेज खिलाड़ी हैं उनका बल्ला भी काम नहीं कर पाया और हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले भारत ने दिवाली पर, छोटी दिवाली पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और उसके बाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें गुस्सा है, आक्रोश है। बहरहाल मिस्टर बीन की हम बात करें। देखिए मिस्टर बीन गए तो हंसाने के लिए थे कि वहाँ पर एक अच्छा माहौल क्रिएट वो कर पाएँ, खुशनुमा हंसीनुमा माहौल वो क्रिएट कर पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बल्कि विवादों में घिर गए। और जो मिस्टर बीन ट्रेंड कर रहा है वो असली मिस्टर बीन नहीं है बल्कि डुप्लीकेट मिस्टर बीन ट्रेंड कर रहा है। कौन है वो मिस्टर बीन जो कि हंसाने के लिए गया था लेकिन विवाद अपने साथ ले आया और उसको लेकर ना सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी, ना सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स आमने सामने हो गए हैं बल्कि आमने सामने दोनों ही देशों की सरकारें भी हो गई हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनको निशाने पर लिया गया है जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री की तरफ से और ये जो पूरा विवाद है वो फिलहाल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल जो मिस्टर बीन है वो पाकिस्तान के एक हास्य कलाकार हैं और उनकी तरफ से वहाँ पर जाया गया था कि एक अच्छा माहौल वो क्रिएट कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डुप्लीकेट मिस्टर बीन जो है उनका नाम है आसिफ मोहम्मद, जो पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं। इससे पहले आपको बता दूं 2016 में भी पाकिस्तान की तरफ से जिम्बाब्वे के साथ धोखाधड़ी की गई थी। धोखाधड़ी ये की गई थी कि जिम्बाब्वे में एक वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ही जो मिस्टर बीन है आसिफ मोहम्मद वो गए थे और पाकिस्तान ने ये कहकर वहाँ पर आयोजकों को कहा था कि हम असली मिस्टर बीन भेज रहे हैं, जबकि भेजा गया था आसिफ मोहम्मद को जो कि मिस्टर बीन के डुप्लीकेट है, असली मिस्टर बीन नहीं है। उस वक्त धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था आयोजकों की तरफ से पाकिस्तान के कुछ लोगों के खिलाफ कि उन्होंने धोखा किया, हमारे साथ गलत किया। जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी थी तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला था। और अब ये जो मिस्टर बीन है, डुप्लीकेट मिस्टर बीन, वो एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। दरअसल हूबहू असली मिस्टर बीन की तरह ये दिखते हैं आसिफ मोहम्मद। और आसिफ मोहम्मद इससे पहले कई अलग अलग देशों का दौरा कर चुके हैं, उनकी तरफ से भारत में आकर भी कई बार जो अपना कॉमेडी शो है वो किया गया है। लेकिन गुस्सा अब ये देखने को मिल रहा है लोगों में कि आखिर असली मिस्टर बीन की तरह बनकर असली मिस्टर बीन क्यों गुमराह किया गया है पाकिस्तान के इस कॉमेडियन की तरफ से। और विवाद इसको लेकर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब जो पाकिस्तान में क्रिकेट प्रेमी हैं वो कैसे गालियां दे रहे हैं, कुछ तो गाली गलौज तक उतराए हैं, अपने खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं। तो जो विवाद है वो लगातार अब गहराता जा रहा है, एक तरफ मिस्टर बीन को लेकर, दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर।